अब बात करते हैं सूबे में आग के तांडव की, जहां तीन जिलों में भयंकर आग की घटना सामने आई। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली फिरोजाबाद से है, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। तो दूसरी तस्वीर नोएडा की आप देख रहे हैं, यहां हल्दीराम फैक्ट्री में भीषण आग लगने से पूरी फैक्ट्री खाक हो गई। और तीसरी आखिरी तस्वीर गाजियाबाद से, जहां प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के मकानों तक जा पहुंची। और आइए अब आग की खबरों को बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात नोएडा की, जहां भयंकर आग से हल्दीराम की फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। नोएडा सेक्टर 68 का ये मामला है, जहां हल्दीराम फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगते ही सभी कर्मचारियों को फैक्ट्री से निकाला गया बाहर। आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां। आग से करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बॉयलर फटा था, जिसके चलते ये भयंकर आग लगी। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राहुल डब्बास की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ नोएडा से लाइव जुड़ रहे हैं। राहुल, सुबह तक जब हमने अपडेट लिया था तो कुछ हिस्से अभी भी थे जहां पर आग लगी हुई थी। लगातार आग बुझाने का काम, दूसरे जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई थी, आग बुझाने की कोशिश चल रही थी। अभी वहां पर किस तरह के हालात हैं? क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? बिल्कुल गायत्री, तकरीबन 17 घंटे हो गए हैं जब हल्दीराम सेक्टर 68 में आग लगी थी इस फैक्ट्री में, और अभी आग पे जरूर काबू पा लिया गया है, लेकिन धुआं खत्म नहीं हुआ, यानी आग बुझी नहीं है। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हो, चाहे दिल्ली की बात हो, गाजियाबाद की बात हो, गौतम बुद्ध नगर की बात हो, आसपास के जिलों से और राजधानी दिल्ली से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगातार बुलाया गया है। धुआं आप देख सकते हैं, जो जब जब धुआं घूमकर आता है या हवा का माहौल बदलता है तो धुएं के ऊपर सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, यूपी पुलिस के कर्मचारी, उनके लिए भी दिक्कत होती है। और साथ में ये दिखाना चाहूंगा कि जो दीवार है वो तोड़ी गई है, यानी अभी तक कैंपस के बाहर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कर्मचारी काम कर रहे थे। अब कोशिश ये की जा रही है कि ड्रोन के जरिए अंदर देखा जाए और इसके बाद एंट्री की जाए जो बिल्डिंग है उसके अंदर, कि आग की स्थिति क्या है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि आग क्यों लगी और कितना माल का नुकसान हुआ, लेकिन आग बहुत ज्यादा है। 17 घंटे के बाद भी धुआं साफ तौर पर नजर आ रहा है, और ये भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बता रहे कि अंदर आग हो सकती है, जिसे बुझने में 4 से 5। चलिए राहुल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।